आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फिरका इश्क के हवाले से। बहुत से लोगों की जानिब से उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बाकायदा तौर पर अगर आप सोशल मीडिया देखें तो सोशल मीडिया पर एक तांता बंधा हुआ है ऐसी पोस्ट का, जिस पर यह कहा जा रहा है कि इस ड्रामा को बैन किया जाए, इसमें फिरका वारियत है, बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ऐसा क्या है उस ड्रामा के ट्रेलर में? मैंने अभी तक नहीं देखा, तो हम देखते हैं सबसे पहले उस ड्रामे का ट्रेलर और फिर आगे बात करेंगे कि उसमें ऐसा क्या है कि इतना ज़्यादा वावेला जो है उसको लेकर हो रहा है और इतना ज़्यादा उस पर उसको बैन करने की बात की जा रही है। क्या उसमें कोई बैन करने वाली बात है या नहीं, ये ट्रेलर देखने के बाद ही डिसाइड किया जा सकेगा। तो सबसे पहले देखते हैं उस ड्रामा सीरियल का ट्रेलर, उसके बाद फिर जो है ना वो तफसील से बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर जो वावेला खड़ा किया गया है वो दुरुस्त है या गलत है। वो मुहर्रम किसी और तरह से मनाते हैं, हम किसी और तरह से, हम तो दोनों ही मनाते हैं। मैं परवा साथ से बहुत मोहब्बत करती मेरी मैं एक मजहब में मुख्तलिफ अकीदा रखने वाले लोग होते हैं, लेकिन इसके लिए मतलब नहीं है कि वो मजहब की बुनियाद पे एक दूसरे से इख्तलाफ करें। मैंने तुम्हारी नीति देखी है, अपने हाथों पर या मेरे हाथों पर? अपने हाथों। मैंने कभी ऐसे वैसे काम को इतना करीब से दिख रही नहीं, सब चीजें महसूस ही नहीं की। साथ मुझसे शादी करता है तो उसे अपनी नामी छोड़ना। हमारे बच्चे मुसलमान होंगे, वो चीख चीख कर पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा और ऐसे बैत का मतलब इस्लाम था, शिया या सुन्नी नहीं थे। ऐसा तुम्हारे हाथ तो है, हमारी खुशी नसीज है या अपनी मोहब्बत। कुर्बानी देने वालों के दिल बहुत मुतमईन होते हैं, इसलिए तो इमाम हुसैन के नफ्स को हुसैन की महिमा कहा जाता है। जी, तो आपने भी इसका ट्रेलर देखा है यकीनन। जिसने इसका ट्रेलर पहले से देख रखा है उसने कुछ अंदाज़ा लगा लिया होगा, और मैंने अभी देखा है तो बहुत सी चीज़ें मैंने नोट की हैं इसमें जो कि जिन पर बात करना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि जो सोशल मीडिया पर इस वक्त फ़िरका वारियत का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इस ड्रामे में, ऐसी तो कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। इसमें कोई फ़िरका वारियत वाली ऐसी बात नहीं है, कोई चीज़ ना तो अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ उसमें दिखाई जा रही है और ना ही अहले तशय्यों के ख़िलाफ़ दिखाई जा रही है। हाँ, कुछ पुराने बुज़ुर्गों की जानिब से ये दिखाया जा रहा है कि कुछ बुज़ुर्ग हैं उसमें, ख़ास करके वो जो एक हीरो दिखाया जा रहा है उसका, उसके वालिद की जानिब से ये एतराज़ किया जा रहा है कि जी तुम अहले तशय्यों में की लड़की के साथ शादी करोगे। और लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये कहानी के तौर पर ये चीज़ दिखाई जा रही है और ये कुछ हद तक हमारे मुआशरे में मौजूद है ये चीज़, जो कि एतराज़ किया जाता है कि अगर दूसरे फ़िरका से अगर किसी लड़की या किसी लड़के से, दूसरे फ़िरका की किसी लड़की या लड़के से शादी करने की बात की जाती है, और ख़ासकर क्योंकि इन दो फ़िरकों में थोड़ा सा ज़्यादा इख्तलाफ किसी दौर में रहा है, इसलिए इसको लेकर थोड़ी सी ये चीज़ दिखाई गई है, जो कि जिसमें कोई ख़राबी नहीं है, ये हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती है चीज़, तो इसमें ये ख़राबी मेरे ख्याल से नहीं है। इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ये एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है, ये एक बात गलत है, लेकिन इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ये होना नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से फ़िरका वारियत फैलती ही इसी तरह है कि जब आप किसी एक फ़िरके को दुरुस्त कहें पब्लिकली आके और किसी एक फ़िरके को गलत कहें। दिल में मानना एक मुख्तलिफ़ बात है, लेकिन और यकीनन हर आदमी अपने ही फ़िरके को दुरुस्त मानता है दिल में, लेकिन पब्लिकली किसी को गलत कहना मेरे ख़्याल से ये सबसे ज़्यादा गलत अमल है। और जो कि इस ट्रेलर में अभी तक मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो कि इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनका मकसद व्यूज़ हासिल करना है या कुछ और है, मैं इस बात से अनजान हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से इस ड्रामा सीरियल को बैन नहीं होना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और इस पर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी आप राय रखते हैं। और इसके अलावा ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल के आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा।